पॉइंट फाइव अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं बालक का शारीरिक विकास। तो ये क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना माइंड फाइव अकेडमी, और जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब होता है, शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है? तो शारीरिक विकास का जो मतलब है वो है शरीर के विभिन्न अंगों में विकास होना, शरीर के विभिन्न अंगों में विकास होना, जैसे वजन बढ़ना, मस्तिष्क का भार होना और हड्डियों का विकसित होना, दांतों की संख्या बढ़ना, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। वजन, लंबाई, सिर व मस्तिष्क, हड्डी, दांत, हृदय, मांसपेशी, इनका विकास ही होना शारीरिक विकास कहलाता है। इनका विकास होना शारीरिक विकास कहलाता है। तो अब बात करते हैं वजन। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक का वजन 36 केजी से 43 केजी के मध्य होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक का जो वजन है वो 36 किलो से लेकर 43 किलो के बीच में होता है। कितना? 36 से 43 के बीच में उत्तर बाल्यावस्था में वजन होता है। और उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लड़कियों का वजन कब अधिक होता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों का वजन सर्वाधिक होता है लड़कों की अपेक्षा, या लड़कों की तुलना में लड़कियों का वजन सर्वाधिक होता है उत्तर बाल्यावस्था में। और अब बात करते हैं लंबाई। तो बाल्यावस्था में जो लंबाई होती है वो 2 से 3 इंच तक होती है। कितनी? उत्तर बाल्यावस्था में लंबाई मात्र 2-3 इंच तक बढ़ती है। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में जो लंबाई बढ़ती है वो 2-3 इंच तक बढ़ती है, उसके बाद फिर धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था के अंत में लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर। उत्तर बाल्यावस्था में लंबाई लगभग उत्तर बाल्यावस्था में लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर यानी 42 इंच हो जाती है। 106 मीटर उत्तर बाल्यावस्था में लंबाई हो जाती है, बाल्यावस्था में लंबाई हो जाती है और लगभग 42 इंच तक होती है। और भार की तुलना में लंबाई कम बढ़ती है। जो वजन होता है उसकी तुलना में लंबाई कम होती है बाल्यावस्था में। बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। जो लड़कियों की लंबाई है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। किसमें? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से कम होती है, लेकिन लड़कों की लंबाई से लड़कियों की लंबाई अधिक होती है। और अब बात करते हैं सिर व मस्तिष्क। सिर और मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। तो सिर और मस्तिष्क, बालक के मस्तिष्क का विकास 5-6 वर्ष तक 90% हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि शिशु का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, लेकिन जब वह 5-6 वर्ष में का हो जाता है तो उसका वजन कितना हो, तो उसका विकास कितना हो जाता है? जब बालक 5-6 वर्ष का होता है तो उसका मस्तिष्क का विकास है वो 90% पूर्ण हो जाता है। कितना? 90% हो जाता है 5-6 वर्ष तक। जब बालक 10 वर्ष का होता है तब उसका मस्तिष्क का विकास 95% हो जाता है। बालक का वजन जब बालक 10 वर्ष का होता है तब उसका मस्तिष्क का विकास 95% हो जाता है। इतना 95% हो
हो जाता है। 12 वर्ष तक शिशु का मस्तिष्क 1260 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन आता है सीटेट में, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 12 वर्ष में शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना हो जाता है। तो 12 वर्ष में शिशु के मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है। कितना? 1260 ग्राम हो जाता है। मस्तिष्क का भार शिशु का 12 वर्ष की उम्र में 1260 ग्राम हो जाता है और हड्डियां पूर्व की तुलना में मजबूत होती है, यानी शेष अवस्था की तुलना में बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या काफी मजबूत हो जाती है। इसमें बाल्यावस्था में। और अब बात करते हैं दांत। तो बालक के 5-6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन एमपी टेट, रीट, ईपी टेट सभी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो बालक होता है उसके दांत गिरना प्रारंभ कब होते हैं। तो 5-6 वर्ष में बालक के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं 5-6 वर्ष में। उसके बाद स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। 8 वर्ष की उम्र में 12 दांत स्थायी आ जाते हैं और जब बालक 10 वर्ष का होता है तो 15 दांत स्थायी आ जाते हैं। जब बालक 12 वर्ष में होता है तो उसके 25 दांत आ जाते हैं। कितने? 12 वर्ष में बालक होता है तो उसमें 25 दांत स्थायी आ जाते हैं। जब 10 वर्ष का होता है बालक तो उसमें 15 स्थायी दांत आ जाते हैं और 8 वर्ष का बालक होता है उसमें 12 दांत आ जाते हैं। जैसे सर्वाधिक विकास उत्तर बाल्यावस्था में यानी 10 से 12 वर्ष की एज में होता है। सर्वाधिक विकास कब होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में होता है जो 10 से 12 वर्ष मानी जाती है। बात करते हृदय। तो बाल्यावस्था में हृदय 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। कितनी बार? 100 बार। बाल्यावस्था में बालक का हृदय वो 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। कितनी बार? 100 बार धड़कता है। और मांसपेशियां बाल्यावस्था में पेशियों का भार शरीर के भार का 27-30% हो जाता है। बाल्यावस्था में जो मांसपेशियां हैं उनका भार शरीर के भार से भार का 27-30% हो जाता है। कितना? 27-30% हो जाता है। और 11-12 वर्ष में यौनांगों का विकास हो जाता है। ये क्वेश्चन अनेकों बार सीटेट में पूछा जा चुका है कि यौवनांगों का विकास किस उम्र में होता है। तो यौवनांगों का विकास 11 से 12 वर्ष की उम्र में यौवनांगों का विकास हो जाता है। तो आज की क्लास थी बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। आप